रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने फिर बालासोर ट्रेन दुर्घटना स्थल पर चल रहे मरम्मत कार्य का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि अब सुरक्षा आयुक्त के मामले में जांच की है, हादसे के कारण का पता लग गया है और इसके लिए जिम्मेदार लोगों की पहचान भी कर ली गई है। रेल मंत्री ने पहली बार बताई एक्सीडेंट की वजह। देखते हैं स्पेशल रिपोर्ट। बालासोर रेल हादसे के बाद ट्रैक को साफ करने और फिर से बहाल करने के लिए युद्ध स्तर पर काम जारी है। खुद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव दुर्घटना स्थल पर मौजूद है। इस बीच रेल मंत्री ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि हादसे के लिए जिम्मेदार लोगों की पहचान कर ली गई है और उनके खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाएगी। ममता बनर्जी के आरोपों पर रेल मंत्री ने कहा, इसका कवच से कोई लेना देना नहीं है। कारण वह नहीं है जो ममता बनर्जी ने कल कहा था। उन्होंने आगे कहा, रेलवे सुरक्षा आयुक्त ने मामले की जाँच की है। यह हादसा इलेक्ट्रॉनिक्स इंटरलॉकिंग के बदलाव के कारण हुआ। जांच रिपोर्ट आने दीजिए। हमने घटना के कारणों और इसके लिए जिम्मेदार लोगों की पहचान कर ली है। अभी हमारा फोकस ट्रैक की बहाली पर है। रेल मंत्री ने कहा कि बुधवार सुबह तक यह ट्रेन चालू हो जाएगी। उन्होंने कहा कि शव निकाल लिए गए हैं और हमारा लक्ष्य बुधवार सुबह का मरम्मत का काम खत्म करने का है, ताकि इस ट्रैक पर ट्रेन दौड़ना शुरू हो सके। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV।